हेलो दोस्तों, के सब सुन रहे हो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमस फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे, नहीं उससे पहले कि आपने हमारा 500 के सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट किया कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 500 सब्सक्राइबर का ही गोल था। तो मजाक से हटके अब हम हमारा टॉपिक पर नजर डालते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम क्या सीखेंगे, स्पेशली रेजिस्टेंस। तो आपको दो जो इमेज दिख रही है जो मैंने ड्रॉ की है वो है इंसुलेटर और कंडक्टर की, आपको इधर बोर्ड पे दिख रही है। तो अब मैं बताऊंगा आपको इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वैसे भी आपको पता होगा इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे तो इंसुलेटर मतलब हु डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर मतलब हु कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आपको कुछ एरो जैसे सर्कल जैसे जो नजर आ रहे हैं, जो इंसुलेटर में पहले हम देखेंगे, तो जो सर्कल जैसे नजर आ रहे हैं तो ये क्या है, ये इधर लिखा है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ भी घूम रहे हैं, पर इधर आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन्स को तो वो एकदम से स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो ये कंडक्टर है, जब इसमें करंट पास किया गया तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और ये इधर इस करंट पास करने पर भी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम और ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर आपने 7th में साइंस के पेपर के लिए रट्टा मारा होगा, क्या बोला तूने, नहीं ध्यान से पढ़ाई की होगी, तो आपको पता होगा कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन है ये कैसा होता है। तो सिंपली पता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो यूनिफॉर्म में नहीं है, मतलब एक लीनियर इसमें नहीं है, पाथ में नहीं है, और जो यूनिफॉर्म मोशन ये लीनियर पाथ में है। तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये इंसुलेटर है वुडन ग्लव और ये जो कंडक्टर है वो आयरन ट्यूब। तो अगर इन दोनों में कौन सा भी हो, इसमें भी कोलिजन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का और इसमें भी कोलिजन हो सकता है। तो आप बोलोगे ये कंडक्टर है, इसमें कोलिजन कैसे होगा, तो स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स अपने जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोलाइड कर जाते हैं। तो इस कोलिजन से जो बनता है, इधर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा कितना भी कोलिजन, इससे क्या बनता है वो है रेजिस्टेंस, जो हमारा आज का सबसे मेन टॉपिक है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप का है। आपने जो इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं तो इसमें आपने कभी ऐसे सिंबल नहीं तो ऐसे सिंबल देखे ही होंगे। तो ये जो सिंबल है वो है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस को जो मेजर करते हैं हम, जैसे अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना है आपको किलोमीटर लगता है, आपको वेट को मेजर करना है तो ग्राम लगता है, वैसे ही अगर आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो आपको यूनिट लगेगा जिसका नाम है ओहम। तो इसका साइन कुछ ऐसा है। तो अब हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे। तो ओहम्स लॉ में क्या है, वी आई आर, ये जो फॉर्मूला है वी, तो वी का मतलब है वोल्टेज, आई का मतलब है करंट, और आर का मतलब है रेजिस्टेंस। वी का मतलब है वोल्टेज, आई का मतलब है करंट, और आर का मतलब है रेजिस्टेंस। तो इधर कुछ फॉर्मूले दिए हैं, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपको वोल्टेज फाइंड करना हो, करंट फाइंड करना हो, या रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, अरे तो इसलिए इसके लिए इधर कुछ फॉर्मूला दिए है जो है वी इक्वल टू आई इंटू आर। मतलब अगर आपको करंट और जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है, अगर उसका आपको वोल्टेज फाइंड करना है तो उसके लिए आपको करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। वही इधर आप अगर आपको करंट फाइंड करना है और आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो इसके लिए आपको V अपॉन R करना पड़ेगा, तो इससे आपको करंट फाउंड हो जाएगा। और अगर आपको R फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए V अपॉन R। तो ये आप इधर ट्राइंगल जैसा कुछ देख सकते हैं, तो इधर जो है, इधर लिखा है V, इधर लिखा है I और इधर लिखा है R, इसके 3 पार्ट्स है। तो V मतलब वोल्ट है, आई मतलब एम्पियर है, और आर मतलब ओम है, मतलब ये इसके यूनिट है। वोल्टेज को अगर हम वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ये आपको इसमें भी मदद करेगा। जैसे अगर आपको वी ढूंढना है तो आई इंटू आर, इधर नीचे ही आई इंटू आर, अगर वी ढूंढना है तो, अगर आपको आई ढूंढना है तो वी अपॉन आर, और आपको अगर आर ढूंढना है तो वी अपॉन। तो ये फॉर्मूला जैसा ही कुछ ट्रायंगुलर ये है, तो इसके वजह से आप ये बिना याद रखे भी सॉल्व कर सकते। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे।
तो एग्जांपल में इधर आपको समझो कि ये कंडक्टर है, तो इसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते इसको हम कहेंगे करंट। तो इसको किसमें मेजर करेंगे हम? एम्पियर, एम्पियर में मेजर करेंगे। और उसके बाद ये जो करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसमें कितना वक्त लगेगा उसके लिए भी उसको हम बोलेंगे वोल्टेज। उसके लिए जो यूनिट है उसका वो है वोल्ट। तो अब हम अपना जो मेन टॉपिक है जो मेन डिस्कस करने वाले उस पर देखेंगे। तो जो पहला इसमें दो पॉइंट है रेजिस्टेंस, इसके दो पॉइंट है। तो इधर पहला जो है वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, तो आप इधर एक सर्किट दे सकते हैं, ये स्विच है, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस कैसे है, एक सीरीज में है। तो देखिए ये यहाँ से हमारी बैटरी है, यहाँ से स्विच है, तो करंट ऐसे जाएगा कुछ प्लस से माइनस, ये करंट ऐसे जाएगा। तो इधर लगेगा इसको पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद जैसे ही ये रेजिस्टेंस खत्म होगा दूसरा रेजिस्टेंस, फिर जैसे ही दूसरा रेजिस्टेंस खत्म हुआ तीसरा रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए करंट अपना पास होते हुए स्विच की ओर से माइनस की ओर जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर जो है ये जो रेजिस्टेंस है एक सीरीज में है, मतलब वन रेजिस्टेंस एंड्स इस एंड इज कनेक्टेड टू अनदर, मतलब इसका जो एंड है वो दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, दूसरे का जो एंड है वो तीसरे से कनेक्टेड है। तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज सीरीज। तो इसको कैसे हम काउंट करेंगे, मतलब इसको कैसे काउंट करेंगे अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज हो। तो अगर हम आपको कोई भी सर्किट दिखाया जाता है और उसमें अगर ये कुछ इस टाइप का रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो मामला हो, और अगर रेजिस्टेंस 1 है वो 5 ओम, रेजिस्टेंस 2 भी 5 ओम, रेजिस्टेंस 3 भी 5 ओम, तो इसका क्या होगा, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3, 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या हमारा आंसर आया 15 ओम। तो अगर इधर 3 होता 2 होता तभी भी सेम आपको एडिशन करनी थी। अब हम देखेंगे जो दूसरा टॉपिक है रेजिस्टेंस का, अब वो देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो मैंने ये जो है सेम सर्किट है जो हमने देखा था, पर इसमें जो है रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ओके, तो रेजिस्टेंस है पैरेलल में। तो अगर हम करंट पास करेंगे स्विच ऑन करके, तो ये प्लस से ऐसे करंट जाएगा आगे जाएगा और इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइड हो गया, मतलब सब इस करंट की जो है तीन भाग हो गए, तीन भाग है, तो इसमें जो एक 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 सबको एक एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस इन सीरीज से कम झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो चुका है। तो ऐसे इधर जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस वाले करंट को है रेजिस्टेंस 1 मिलेगा, इस वाले करंट को रेजिस्टेंस 2 मिलेगा और इस वाले करंट को रेजिस्टेंस 3 मिलेगा। फिर इस रेजिस्टेंस को पार करके ये आगे जाएगा, फिर जो अपना नॉर्मली वो करता है ये अपना माइनस तक पहुंच जाएगा। तो इसमें जो हमने रेजिस्टेंस देखे 1, 2, 3 पिछले में भी सेम थे, तो उनका एडिशन क्या आया, मतलब जो उनका पूरा रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू क्या आया, 15 ओम्स। बट इधर फॉर्मूला कुछ अलग है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3। तो तीन रेजिस्टेंस है, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर इससे भी ज़्यादा हो तो इससे आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। तो इनका एडिशन करेंगे हम, तो पहले आर की जगह रिप्लेस करेंगे 1, और इन सबके भी सेम वैल्यूज है जो हमने रिलेशन से सीरीज दिखे, सेम वैल्यूज है सबके 5, 5, 5। ओके, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो इनका जो एडिशन होगा वो होगा 0.6 ओहम। तो इसमें डिफरेंस देखो कितना है, पिछली जो हम सीरीज में देखे तो उसमें 15 ओम था और इसमें 0.6 ओम। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर एक करंट को सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जो रेजिस्टेंस सीरीज था उसमें एक ही करंट को तीन तीन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था।
तो आज की वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको न्यूक्लियर फिजन मतलब वो प्रक्रिया जिससे हमको सन से लाइट और हीट मिलते हैं ये जानने में इंटरेस्ट हो तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।